इस संसार के अंदर सभी धर्मों के अंदर कोई भी धर्म हो, सब धर्मों के अंदर पूजा पद्धतियां, पूजा पाठ किए जाते हैं, अलग अलग नाम दे दिए गए प्रार्थनाओं को, अलग अलग तरीके पैदा कर दिए गए। सब धर्मों के गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा, संतों महात्माओं ऋषि महर्षियों द्वारा एक खोज की गई। सब अपने तरीके से खोज करते हैं, तो वो जब खोज की गई कि कैसे लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर चलाया जाए, कैसे सरल से सरल तरीका अपनाया जाए, हर कोई अपने तरीके को सरल बताता है, उसे सरल तरीके से पेश करता है। किसी भी प्रकार से हर जो भी आप पद्धति अपनाते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप पाठ करते हैं, जहां भी आप मस्तक टेकते हैं, जहां भी आप नमन होते हैं, वहां आप अपने अनुसार उस पद्धति सरल पद्धति को छांट लेते हैं कि कैसे कैसे सरल अपनी सुविधा के अनुसार उनको डाल देते हैं। ये जितनी भी पद्धतियां पेश की गई, चाहे यज्ञ की हो, चाहे आरती की हो, चाहे नमाज की हो, चाहे शुक्रिया अदा करने की हो, चाहे चर्च जाने की हो, चाहे घंटी बजाने की हो, चाहे ओंकार का नाद करने की हो, चाहे कोई वाद्य यंत्र बजाने की हो, चाहे शंख बजाने की हो, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक जलाने की हो, ध्यान करने की हो, किसी भी प्रकार से वो पद्धति तैयार की गई हो जो हमें सरल लगता है। ये नहीं कि हमारा उद्देश्य किस में पूरा होता है, कि परमात्मा प्राप्ति कैसे किस उद्देश्य से हो सकती है, ये नहीं। हमें जो सरल लगता है हम उसी के अनुसार बढ़ने लगते हैं। इसीलिए तो इतने धर्मों का, इतनी पद्धतियों का आविष्कार हुआ। अगर हमें केवल मात्र जो पहले पद्धति थी, जो सबसे पहले पद्धति प्रकट हुई इस ब्रह्मांड के अंदर, अगर केवल उसी पद्धति के ऊपर हम चलते रहते तो इतनी पूजा पद्धतियां नहीं आती, इतने धर्मों का निर्माण नहीं होता, इतने अलग अलग मत नहीं होते, इतने विचार नहीं होते। लेकिन हमने जितने जिसको जो पद्धति आसान लगी, सबने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी साधना के अनुसार, सबको अपने अनुकूल हम करते गए और उस अनुकूलता के अनुसार मानव का जीवन बदलता रहा। समय समय पर प्रकृति के अनुसार और बहुत से कारण जिनसे अलग अलग युग के अनुसार, हर 200-400 वर्ष के अनुसार ये पद्धतियां, ये तरीके, ये खेल बदलता चला गया। लेकिन जब हम कि इससे लाभ होता है या नहीं होता, सबके मन में सवाल होता है कि मैंने राम के नाम लिए हैं, ये मेरे लगे नहीं लगे, मैंने पाठ किया है, इसका कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, मैं साधना करता हूं, क्या ये साधना इकट्ठी होती है, इससे कुछ लाभ होता है नहीं होता।
ये सवाल आपके मन के अंदर होते हैं, इनका कोई निवारण नहीं करता। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। जब आप अपने ऊपर अनुभव करोगे इस जीवन में भी, इस शरीर में भी, इस संसार में भी, आपके परिवार में भी, उस लाभ को आप देख पाएंगे, उस प्रभाव को आप देख पाएंगे, उस तेज को आप देख पाएंगे, उस एनर्जी जो आपके अंदर आपको प्रॉपर तैयार कर रही है, वो पद्धति, वो साधना आपको उस परम तत्व के लिए तैयार कर रही है, आपके उस मार्ग को खोल रही है, आपको उस रास्ते पर ले जा रही है, आपको उस ब्रह्म की ओर बढ़ाया जा रहा है, आपको उस परम की ओर बढ़ाया जा रहा है, आपको उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें लाभ के सिवा, अच्छाई के सिवा, भले के सिवा और अनंत अनंत लाभ के सिवा आपको हानि नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की नुकसान ही नहीं है, बस आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन आपको बस पॉजिटिव रहना है कि हम 10 मिनट बैठे इकट्ठा हुआ, हाँ हुआ भाई, 2 मिनट बैठे हमें मिला कुछ, हाँ मिला आपको, हमने 2 घंटे साधना की, हाँ आपका वो ऐड हो गया, इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया भाई, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार से आप अपने अकाउंट में 1 रुपया डालोगे तो वो भी मिलेगा, 1,00,000 रुपए डालोगे वो भी मिलेंगे, 1 पैसा डालोगे वो भी मिलेगा, वो आपका स्टोर हो रहा है और स्टोर हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये आपका सब कुछ संचय हो रहा है, किसी भी पद्धति के द्वारा जो आपके इस जन्म में भी काम आएगा, और जब आप ऊपर चले जाओगे वहां भी आपकी बहुत सहायता करेगा और आपके आगे आकर के खड़ा हो जाएगा। साधना की है और वहां लाभ आप स्वयं देखिए।